Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो पुराने हैं वो वीडियो देखते रहें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक। तो हम लोग जो है भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। भारत के संविधान में हमने बताया कि रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप समझिए कि कैसे क्या हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने एक बेस बना लिया था कि आखिर संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे कैसे संविधान जो है बनने की ओर अग्रसर हुआ, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने अपने पिछले वीडियो तक ये देखा था कि जो था हमारा प्लासी का युद्ध हो जाता 1757 ईस्वी में, उसके बाद जो है हम लोग 1763 ईस्वी तक पहुंचते हैं। मीर जाफर जो था वो आपका बंगाल का अगला नवाब बनता है 1763 से लेकर के 1765 ईस्वी तक। इसी के समय में एक और युद्ध होता है जो अंग्रेजों के पैर को और मजबूत कर देता है। तो वो युद्ध था हमारा, कौन सा था वो? हमारा युद्ध था प्लासी का युद्ध, हमने पढ़ा था। उसके बाद अगला जो युद्ध होगा हमारा वो है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध क्या था, आइए हम देखते हैं। बक्सर का युद्ध था हमारा, तो देखते हैं 1764 ईस्वी में, ठीक 1763 ईस्वी में मीर कासिम जो था वो, और जो बंगाल के नवाब थे उसके पहले शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये लोग एक रणनीति बना रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की, अंग्रेजों को पराजित करके यहां से बाहर भेजने की। तो उसी में जो युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में युद्ध होता है कौन सा, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है, पहला चीज तो ये बनता है हमारा। तो एक तरफ तीन सेनाएं थी और एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव अकेला अंग्रेज था। तो एक तरफ तो हमने बता दिया कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव कौन था, ये जो है बंगाल का पहला गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बक्सर का युद्ध जो होता है वो रॉबर्ट क्लाइव और त्रिपक्षीय सेना एक थी जिसमें शाह आलम द्वितीय प्लस मीर कासिम प्लस शुजाउद्दौला, ठीक। अगला जो युद्ध हुआ था आपका, यानी कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था, एक तरफ ये तीन लोग थे, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन उसके बाद भी इनकी तीनों लोगों की सेना मिलकर के भी अंग्रेजों को पराजित नहीं कर पाई। और यही कारण था कि अंग्रेज भाई, एक तरफ हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था, वो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीते थे, अंग्रेज का मनोबल बढ़ा था, फिर दोबारा एक युद्ध होता है उसको भी अंग्रेज जीत लेते हैं। तो धीरे धीरे इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में अंग्रेजों की जो पकड़ थी वो मजबूत हो रही थी, अंग्रेजों की पकड़ क्या हो रही थी, मजबूत हो रही थी। इसी के बाद 1765 ईस्वी में एक संधि होती है जो कि इलाहाबाद की संधि के नाम से प्रसिद्ध है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि भी इन्हीं के बीच में होती है, क्योंकि जो है ये युद्ध जो रॉबर्ट क्लाइव जीता था, ठीक, एक प्रकार से मान लीजिए कि अंग्रेज ने ही जीते थे, जीता था ये युद्ध, तो उसी के बाद में इलाहाबाद की संधि होती है किसके किसके बीच, शाह आलम द्वितीय
शुजाउद्दौला, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच संधि होती है। ये संधि इसमें क्या होता है, कैसे क्या रहता है, तो जब हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो उधर इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं तो अभी हम केवल ये बता रहे हैं कि क्या कारण था, कैसे कैसे जो है संविधान का उदय हुआ हमारे भारत में, वो चीज अभी हम बता रहे हैं। तो देखिए, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हो जाती है। इसी के बाद में 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक, 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक जो ये बीच का समय था, 5 वर्ष इधर, 2 वर्ष इधर, अर्थात 7 वर्ष का समय, इसी समय में जो गवर्नर था बंगाल का, जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन लगाया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, द्वैत शासन लगाया। आखिर ये द्वैत शासन है क्या, द्वैत शासन है क्या? द्वैत शासन का मतलब है कि जो वहां की जनता है वो कर देती है, लेकिन अभी तक एक कर देती थी जो कि अंग्रेजों को देती थी या महारानी को, जिसको आप कह लीजिए। लेकिन अब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहा कि अब जो वहां की जनता है वो एक कर नहीं, दो कर देगी। कितने कर देगी, दो कर देगी। पहला तो कंपनी को देगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक कर तो उसको देगी और दूसरा कर देगी वहां के स्थानीय शासक को, स्थानीय शासक को। और वहां का स्थानीय शासक उस समय था राय दुर्लभ, ठीक, राय दुर्लभ था। तो राय दुर्लभ था और उसमें भी जो स्थानीय शासक लेगा उस कर को, उसका 81% भाग अंग्रेज को दे दिया जाएगा। 81% भाग किसको दे दिया जाएगा, अंग्रेज को दे दिया जाएगा। तो देखिए, कंपनी को जो देगा वो तो अंग्रेजों को मिला ही, जो 81% यहां से मिला वो भी अंग्रेजों को मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव का मेन उद्देश्य क्या हो गया द्वैत शासन लगाने से, कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है धन इकट्ठा कर ले। मतलब कि इसी समय को जो वहां के लोग थे, बंगाल के जो लोग थे, उन्होंने इस समय को कहा भारत की लूट। ठीक, तो अगर क्वेश्चन बनेगा, मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि भारत की लूट किसे कहते हैं, तो जो 1765 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी तक का हमारा समय था, उसे ही हम भारत की लूट कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस समय रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन लगा दिया था, और द्वैत शासन का मतलब कि कंपनी भी कर देती थी और अंग्रेज वहां के स्थानीय शासक भी कर लेते थे, जो कि अंग्रेजों को दे दिया करते थे। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक प्रकार से जनता के ऊपर जो है एक बोझ टाइप का है, कि मतलब कि परेशानी उत्पन्न हो रही है जनता को, वहां की जनता जो थी वो एकदम परेशान हो चुकी थी। इसकी सूचना जब वहां पहुंचती है ब्रिटेन में, महारानी के पास पहुंचती है, तो महारानी ने फिर इसी के बाद 1772 ईस्वी में अगला गवर्नर बनना के भेजा, किसको, वारेन हेस्टिंग को। अगला गवर्नर कौन बन के आता है, वारेन हेस्टिंग। तो 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में बंगाल का अगला गवर्नर बनकर आता है वारेन हेस्टिंग। तो अगला गवर्नर बन के कौन आता है, वारेन हेस्टिंग आता है। कब आता है, 1772 ईस्वी में आता है। वारेन हेस्टिंग जब आता है तो वो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद बनाता है,
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम क्या होता था कि वो कर को इकट्ठा करता था और इकट्ठा करके पहुंचाता था ब्रिटेन। ठीक, तो यही था वो समय। इसी के बाद में जो है अब हम देखेंगे, यही से हमारे भारतीय संविधान की शुरुआत होती है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर आपको पूरा जो है, अगर आप पहला वीडियो देखने के बाद इसको देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहीं से हमारा शुरुआत होता है भारत का संविधान। तो भारत के संविधान की शुरुआत यहीं 1772 ईस्वी से शुरू हो जाती है, भारत के संविधान का विकास। तो देखिए, भारत के संविधान के विकास को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। पहला हम पढ़ेंगे कंपनी का शासन, फिर दूसरा हम पढ़ेंगे क्राउन का शासन। तो देखिए, कंपनी का शासन का मतलब, चूंकि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600, तो कंपनी का शासन का मतलब यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी। उसी के बाद में क्राउन का शासन चलेगा और क्राउन के शासन में जो है महारानी शासन करेंगी। तो देखते हैं, जो हमारा 1772 ईस्वी से लेकर के, मतलब इसी समय से, तो 1772 और या कहीं कहीं 1773 मिलता है, 1772 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक का जो समय है वो हमारा कंपनी का शासन रहेगा। उसके बाद 1857 ईस्वी से लेकर के 1947 अर्थात आजादी तक का समय जो रहेगा वो क्राउन का शासन रहेगा। तो होता क्या है, कंपनी का शासन जब था तो हमने बताया कि जो हमारा बंगाल का गवर्नर बनकर आया था 1772 ईस्वी में, वो कौन आया था, वारेन हेस्टिंग आया था। तो कंपनी जब शासन कर रही थी तो वो 1772 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसी के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम समझा रहे हैं आपको। 1772 ईस्वी से 1857 अर्थात जो युद्ध हुआ था, प्रथम क्रांतिकारी युद्ध जब हुआ था 1857 ईस्वी का, तो उस समय तक का जो शासन था वो कंपनी का शासन था। और कंपनी में क्या होता था, कंपनी कैसे शासन करेगी वो इसमें बताया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह कहा गया कि कंपनी को जो है 20 वर्ष का एकाधिकार देकर के भेजा गया, कि मतलब कि 20 वर्षों तक भारत में कंपनी का शासन चलेगा। जैसे लाइसेंस होता है, ठीक, किसी भी चीज को चलाने के लिए एक लाइसेंस होता है और उसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो उसी तरह शासन करने के लिए जो है 20 साल का परमिशन दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो जब 20 वर्ष बीत जाएगा अर्थात 1773 में 20 जोड़ दीजिए तो 70, 80, 90 यानी कि 1793 में, तो इसका मतलब कि अगली बार जब लाइसेंस लेने आएंगे तो कब आएंगे, 1793 ईस्वी में आएंगे। और 1793 में आएंगे तो इसको कहा गया 1793 का राजलेख। ठीक, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर जी एक इसमें और है बीच में 1784, उसको मैं बता रहा हूं। अभी केवल आप, हमने कहा कि रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझिए पहले। 20 वर्ष का लाइसेंस दिया गया अर्थात 1773 से 20 वर्ष जोड़ेंगे तो 1793 में फिर से लाइसेंस दिया जाएगा, तो जिसको कहा गया 1793 का राजलेख। फिर उसके बाद फिर अगर हम इसमें जोड़ेंगे 20 वर्ष तो 90, 10, 100 और 10, 110 यानी कि 1813। फिर 1813 का जो रहेगा ये भी 1813 का राजलेख अधिनियम रहेगा। ध्यान से समझिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया,
जिसमें 20 वर्ष के लिए लाइसेंस मिला कि 20 वर्ष बाद आपको आकर के रिन्यूअल करवाना है। तो वही चीज 20 वर्ष के बाद 1793 में रिन्यूअल करवाया गया, फिर 1813 में रिन्यूअल करवाया गया, 1813 में फिर 20 जोड़ दीजिए आप तो 1833 का चार्टर एक्ट आ गया। ठीक, 1833 के बाद अगर हम इसमें फिर 20 जोड़ दें तो 1853 का चार्टर अधिनियम आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, 1853 के बाद अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 1873 होगा, लेकिन होता क्या है कि इसका शासन केवल 1857 तक रहता है। इसी के बाद जो है 1857 की क्रांति होती है, और क्रांति के बाद जब कंपनी जो है अर्थात ब्रिटेन की जो महारानी थी उन्होंने कंपनी के शासन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और कहा कि आज से यहां पर किसका शासन चलेगा, क्राउन का शासन चलेगा। तो अर्थात 1857 ईस्वी से अगला जो शासन हमारा चलने लगता है वो चलता है क्राउन का शासन, चलता है किसका शासन चलता है, क्राउन का शासन। तो हम पहले जो है इतने इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे क्राउन के शासन। तो अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर नहीं समझ में आया, अर्थात ये जो सब कहते हैं कि ये याद नहीं होता कैसे कैसे ये सन आ गया, तो हमने बता दिया कि 20 वर्ष का लाइसेंस आपको मिला 1773 में और 20-20 जोड़ते जाइए अगला अधिनियम मिलता जाएगा। तो हम आज पढ़ेंगे 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था वो क्या था। तो 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो सबसे पहला काम हुआ वो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। ठीक, मतलब कि 20 वर्षों तक भारत में जो व्यापार किया जाएगा वो व्यापार कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसी के बाद इसी एक्ट में जो हमारे बंगाल के गवर्नर थे उन्हें बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो बंगाल था, बंगाल के अंतर्गत अभी तक केवल बंगाल ही आता था, अब बंगाल के अंतर्गत 3 और राज्य आए। वो कौन कौन से थे हमारे, वो एक बंबई था, एक बंगाल था ही, और एक कलकत्ता था। अर्थात बंगाल, कलकत्ता और बंबई, तो इन तीनों जगह के जो हमारे गवर्नर थे उनको हटा करके जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात बंगाल का गवर्नर कौन था, अभी हमने बताया कि 1773 ईस्वी में, एक मिनट रुक जाइएगा, जो गवर्नर जनरल था वो हमारा कौन था, वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग जो था वो हमारा बंगाल का आखिरी गवर्नर था और बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल था। कौन, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का आखिरी गवर्नर था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और बंगाल के अंतर्गत हमने बताया कि बंगाल, कलकत्ता और बंबई, 3 प्रेसिडेंसी को एक कर दिया गया। इसके बाद अगला काम क्या होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, इसी के बाद जो है 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है और कहां पर,
कलकत्ता। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती, जिसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो हमारे मुख्य न्यायाधीश अर्थात CJI जो थे वो थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे जो थे हमारे मुख्य न्यायाधीश थे और इनके साथ तीन अन्य न्यायाधीश थे, और तीन अन्य न्यायाधीश जो थे वो कौन कौन से थे, वो हमारे थे देखिए लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैंबर्स, लॉर्ड एलिफिस्टीन, ठीक, क्या नाम था, लाइमेस्टर। तो जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, और तीन अन्य न्यायाधीश थे लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैंबर और लॉर्ड लाइमेस्टर। होता क्या है कि चूंकि देखिए जब भी कोई जनता के ऊपर जुल्म करता है तो उसका विनाश तय रहता है, वही हुआ। वॉरेन हॉस्टिंग जो था वो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसने क्या किया कि चूंकि इसी के समय में सर एलिजा इम्पे अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो ये सर एलिजा इम्पे के साथ मिलकर के लोगों के साथ अन्याय करता था। जब इसकी बात जो है क्राउन अर्थात महारानी को पता चली तो वही कारण था कि जब इसकी बात यह बात महारानी को पता चली तो महारानी के कहने पर ही एक अगला अधिनियम आया 1784 का जो था। ठीक भाई, हमने बताया अभी जब इसको बता रहे थे तो हमने कहा कि आप लोग कहेंगे 1784 गायब है, तो चूंकि जब अन्याय हुआ यहाँ पे 1774 में, 1774 से अन्याय शुरू कर दिया, तो इसी के बाद एक अधिनियम आया वो था 1784 का पिट्स अधिनियम। क्या था 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। ठीक, तो ये क्या था 1784 का जो हमारा अधिनियम था, ये क्या था, क्या होता है इसमें, तो ये हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं गारंटी करता हूं कि आपको पॉलिटी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं समझा दूंगा। ठीक, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।